नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, रेलवे ने तत्काल टिकट को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किया है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो जो एसी तत्काल टिकट होंगे वो जो है कि उसकी बुकिंग 10 बजे से चालू होगी, और नॉन एसी टिकट है उसकी बुकिंग 11 बजे से चालू होगी। और दूसरा बदलाव जो हुआ है उसमें यह है कि अगर ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट है तो कोई पैसेंजर जो है कि वो कंप्लीट रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकता है। और तीसरा जो ये चीज़ चेंज हुआ है वो ये है कि ए पैसेंजर कैन क्लेम ए फुल रिफ़ंड इफ़ द ट्रेन्स रूट इज़ डाइवर्टेड एंड द पैसेंजर डज नॉट वांट टू ट्रेवल ऑन दैट रूट। अगर मान लीजिए ट्रेन का रूट डाइवर्ट हो जाता है और आप उस रूट पे नहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप रिफ़ंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। और चौथा जो चेंज हुआ है वो ये है कि अगर ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया जाता है और उस रूट पे आपका बोर्डिंग स्टेशन या डेस्टिनेशन नहीं पड़ता है तो आप जो है कि क्लेम के लिए रिफ़ंड के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। और पांचवा चेंज ये हुआ है कि पांचवा चेंज आपका देखिए, पैसेंजर कैन क्लेम फुल रिफ़ंड इफ़ ही सी इज़ एकोमोडेटेड इन लोअर क्लास एंड डजेंट विश टू ट्रैवल इन लोअर क्लास। तो अगर मान लीजिए आपको लोअर क्लास में आपको अगर सीट दी गई है या सुविधा दी गई है और आप उसमें ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो भी आप रिफ़ंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो ये 4-5 चेंजेस हुए हैं तत्काल के लिए, तत्काल टिकट के लिए रेलवे ने जो चेंज किए हैं, तो वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। पहला ये हुआ है कि 10 बजे से जो है एसी की टिकट बुकिंग होगी और नॉन एसी की 11 बजे से। दूसरा है कि अगर ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट है तो आप कंप्लीट रिफ़ंड के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। तीसरा है कि ए पैसेंजर कैन क्लेम फुल रिफ़ंड इफ़ ट्रेन रूट इज़ डाइवर्टेड। अगर ट्रेन रूट डाइवर्ट हो जाता है तो आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। और चौथा था कि अगर आप ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है, उस रूट पे आपका स्टेशन या डेस्टिनेशन नहीं पड़ता है तो भी आप क्लेम कर सकते हैं रिफ़ंड के लिए। और पाँचवा है कि अगर आपको लोअर क्लास में सुविधाएं दी जा रही हैं और आप उसमें ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो आप रिफ़ंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए वीडियो को लाइक करके, और कमेंट में हमें बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। धन्यवाद।